प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास इक्वेशन है। फर्स्ट कर लो, आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 3। आपने क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों? बोल रहा है आपने फाइंड करना है रूट्स। रूट्स क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए आपने, इसके दो आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, कितने आंसर आएंगे? दोनों। वो दोनों क्या है? रूट्स है इसके। अब यहां पे इक्वेशन दी हुई है इन टर्म ऑफ ए एंड बी सी, तो इसमें हमने क्या कह दिया? अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है, सही है ना। उसने क्या बोला? आपने वो कंडीशन बतानी है जब इसके दोनों रूट क्या हो जाए? वैनिश, मतलब गायब हो जाए, जीरो हो जाए। वो क्या कंडीशन होगी? अब देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मुझे अंदाजा है प्रॉपर तरीके से बात समझ नहीं आएगी, पर जब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे 100% बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ जाएगा। देखें मैं क्या लिखा हूं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यहां पे एक इसके इक्वल है, एक एक वाली है, बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। आपने क्या निकालना है? ऐसी कंडीशन बतानी है जहां पे ये दोनों रूट्स क्या हो जाए? वैनिश हो जाए। हमने क्या किया? सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी ओवर ए, ये आ गया। अब यहां पे ए तो ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहां पे भी ये चेंज नहीं हो सकता। गिवन कंडीशन क्या बोली? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों रूट क्या हो रहे? वैनिश हो रहे। क्या हो रहे? वैनिश। वैनिश मतलब अल्फा भी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल, और बीटा भी जीरो के इक्वल। अब बताइए कंडीशन क्या होगी जब ये दोनों रूट क्या हो जाए? वैनिश हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी? हम चलते सम ऑफ रूट की तरफ। अल्फा की जगह जीरो, बीटा की जगह जीरो, और ये माइनस बी ओवर ए, एज इट इज द सम ऑफ रूट। जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, ये ए मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ए जीरो जीरो, माइनस बी माइनस हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो। कंडीशन ही आ गई। एक दूसरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा और बीटा क्या हो चुके हैं? जीरो। सी ओवर ए, अल्फा बीटा की जगह जीरो जीरो का सी ओवर ए, ए यहां डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो सी इक्वल टू जीरो। यहां पे बात समझने की ये है कि बेटा ये वो कंडीशन है जब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी की जगह आ जाए जीरो आ जाए, और सी की जगह भी जीरो आ जाए, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म, इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे ना, वो दोनों क्या होंगे? जीरो ही आएंगे। अब ये जो इक्वेशन बची है हमारे पास, इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? जीरो ही आएंगे। बोला था यहां पे आपसे सवाल ये था, आपने एक ऐसी कंडीशन बतानी है जहां पे दोनों रूट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यही कंडीशन होगी जब दोनों रूट जीरो होंगे, अदरवाइज जीरो नहीं होंगे। मुझे सम ऑफ रूट का, हसी मेरे बच्चे ये बोल रहे हो, हसी को माइक खोले, कनेक्ट किससे? जी सर। हाँ मेरे बच्चे बोलो। सर लास्ट तक समझ नहीं आया। सम ऑफ रूट मेरे बच्चे यहां से बोल रहे हैं आप? जी हसीब, देखो ये माइनस जो है ना, इधर जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ये भी, तो बी इक्वल टू जीरो आ गया। आई बात समझ? जी बस इतना सा काम था। हसीब देखो सवाल असल में क्या है, सवाल ये बोल रहा है कि आपने एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जहां पे दोनों रूट क्या हो जाए? वैनिश हो जाए। ये वो कंडीशन है जहां पे दोनों रूट वैनिश होगा। ये आप वो काम करके नहीं दिखाना है, ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ये वो कंडीशन है, ये वो वाहिद कंडीशन है जहां पे दोनों रूट क्या हो रहे हैं? वैनिश हो रहे हैं, अदरवाइज वैनिश नहीं होंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये राइट डाउन कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और 100% बता रहा हूं समझ में आएगी बात। मुझे अंदाजा है ये थोड़ा सा ना
कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा रूखा सवाल है, तो बच्चे परेशान होते थे। पर इसके बाद वाला जो सवाल है 200% श्योरिटी से बोलना, बात समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। राइट डाउन कीजिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको पूरी बात समझ में आएगी, जल्दी से राइट डाउन करके बताएं मुझे, फटाफट राइट डाउन कीजिए। शाबाश। बेटे किसी को बात समझ नहीं आ रही है तो थंब प्रेस हो, सॉरी हैंड रेज कर सकता है वो, और जिसने राइट डाउन कर लिया वो थंब प्रेस कर दो। हसन खालिक ने कर लिया भाई, सैयद इस्माइल का माइक खोलिए जरा, छोड़ो रामीन बेटे कोई फायदा नहीं है पढ़ने वढ़ने का, क्या रखा पढ़ाई में, कुछ फायदा नहीं है बेटे। नहीं मेरे बेटे बता दो, रुके फिर बता रहा हूँ। हाँ सैयद इस्माइल जी सर, बेटे फर्स्ट क्लास है आपकी आज? जी सर। अच्छा फिलहाल तो ऊपर से जारी होगी बात है? बता दो यार, इस्माइल मेरे बच्चे बात, मेरी मजाक छोड़ो, मेरी बात सुनो गौर से। देखो जितना काम हो चुका है आपके पास, ये सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है मौजूद है यूट्यूब में, खासे आपको उसका फेसबुक का लिंक मिल गया होगा, मिल गया लिंक? जी मिल गया जी, जी मिल गया। बस यही है इस्माइल मेरे बच्चे, फेसबुक पे वो लिंक देखते रहे वीडियो, उसमें जो भी मसला है पूछे, इंशाल्लाह जैसे ही आपकी क्या कहते हैं जो फिजिकल क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद जब फिजिकल क्लासेस होंगी मैं रिव्यू करवाऊंगा सब, सही ठीक। और फिलहाल मुझे अंदाजा है आज आपको ये बात समझ नहीं आएगी, पर इसके बाद जो एक्सरसाइज शुरू होगी। हाँ बोले। नहीं सर ये वाला चैप्टर मैंने किया हुआ है। क्या बात, कहाँ से पढ़ के आए जी? ये पहले यूट्यूब से पढ़ा था मैं, उसी से मैंने फिर समझ लिया था। अभी मैं अपने तौर से चैप्टर 4 पे हूँ। कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं 4.2 पे हूँ। 4.2 पे, चल अच्छा शाबाश। पर जो भी मसला हो बिल्कुल पूछिएगा, सही है बेटे इस्माइल? ठीक शाबाश बेटा, बारह पहला। अच्छा भाई अब जरा तवज्जो दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे बच्चों ये समझने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, मुझे तवज्जो चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बस ऐसे गुजारा था, ये सुनना गौर से बात। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, क्या वैल्यू होगी पी और क्यू की, विल बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन वैनिश। इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वाई स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4y इक्वल टू 3q प्लस y। सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से बात को सुनना, बोले फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, क्या वैल्यू होगी p और q की, विल बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन वैनिश। इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर 2p प्लस 2p माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 3q प्लस 5। ये आपके पास क्या है मेरे बच्चों, इक्वेशन है। अब जरा गौर से बात को सुनिएगा,
एक बार जरा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे बच्चों, ये 3q-5 है प्लस 5 है, मेरे पास यहाँ बुक में मिटा वाले माइनस 5 है प्लस 5 है, देख के बताइएगा जरा। प्लस 5 है मेरे ख्याल से, ऐसे ही बच्चों। चलो जो भी आप देख लेंगे आंसर, जैसे भी आता है देख लेंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी ने जवाब दिया? हाँ बेटा बता दो, ये माइनस 5 है या प्लस 5 है, बुक देख के बता दीजिए। मेरी बुक में थोड़ा सा प्लस 5 ही है। सही इशारा बच्चों, अब जरा तवज्जो दो, क्या बोल रहा है आपको उसने? आपने क्या फाइंड करना है? पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तवज्जो, ए आपके पास कितना है? ए इक्वल टू, पहले इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, वाई स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4y, ये प्लस का 3q, जरा क्या होगा माइनस का 3q, ये प्लस का 5, जरा क्या होगा माइनस का 5, इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन अरेंज कर लिए, अब जरा देखिए ए किसके इक्वल है? ए इक्वल टू 1, बी किसके इक्वल है? 2p माइनस 4, और सी किसके इक्वल है? माइनस 3q माइनस 5। सही मेरे बच्चों, ये आ गया। आपने क्या फाइंड करना है कि ये दोनों इस p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अल्फा और बीटा मेरे बच्चों क्या है? रूट्स है किसके? गिवन इक्वेशन के। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? 2q पर 2p माइनस 4, और ए की जगह क्या आ गया मेरे बच्चों? 1 आ गया। सही, बाहर माइनस है, अंडर स्टूड है कि अंदर वालों की साइन क्या करेगा? वो चेंज कर देगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वालों की साइन क्या करता है? चेंज करता है। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ रूट आ गया। अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी कितना भाई? माइनस 3q माइनस 5 अपॉन ए कितना मेरे बच्चों? 1 यार। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटे, गिवन कंडीशन के मुताबिक बोथ रूट्स आर वैनिश, अल्फा भी 0 और बीटा भी 0 है। सम ऑफ रूट की तरफ चलते हैं दोबारा। अल्फा 0 बीटा 0, इक्वेशन क्या हमारे पास सम ऑफ रूट की? माइनस 2q पर 2p प्लस 4, 0 प्लस 0 0 हो गया, ये माइनस का 2p, इधर आया क्या होगा मेरे बच्चों? प्लस का 2p, 0 में 2p ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2p आ जाएगा, और इक्वल टू 4 एज इट इज, ये 2 मल्टीप्लाई कर क्या होगा? डिवाइड, 4 डिवाइड बाय 2, p कितना आ गया? 2। इसके अंदर कोई मसला हैंड्रेस कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है मेरे बच्चों पूछे, बिला झिझक पूछिए। ये आपके पास क्या आ गया? p आ गया। सेकंड आपसे क्या मांगा? उसने आपसे q मांगा, p भी मांगा और q भी मांगा है। सम ऑफ रूट आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट की बारे। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। सी कितना आपके पास? माइनस का 3q माइनस 5 अपॉन में क्या है? 1। लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, तो मैं नहीं लिख रहा। ये माइनस का 3q, उधर जाए क्या होगा? प्लस का 3q, माइनस का 5 अपनी जगह पे एज इट इज, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आए क्या होगा? डिवाइड, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर मेरे बच्चों किसी को कोई सवाल है
हैंड रेस कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, इन सवाल को ना शॉर्टकट से भी कराया जा सकता है। मैं डायरेक्ट सी इक्वल टू जीरो और डी अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा इक्वल टू जीरो करके डायरेक्ट कर सकता था, सही ना। बहुत सारे टीचर इस तरीके से कराते, चार स्टेप के अंदर आया था, पर मैं इसको लॉन्ग तरीके से कराने की वजह क्या, ये पेपर में आता है 5 नंबर का, सही है। दूसरा रीजन ये है कि अगली जो 3.6 एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इसी मेथड से होगी, पूरी की पूरी मेथड आपका यही होगा। तो मैंने आप, ताकि आप लोग यूज टू हो जाए, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको उसी से कराए। और मैं, कोशिश मेरी पूरी ये होती है कि मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करूं पूरी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, लिमिटेड आपको मैं मेथड करवाऊं और उसी में पूरी पूरी एक्सरसाइज करवाऊं, पूरी कोशिश मेरी होती है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। बस बच्चों, मेरा आप लोग से यही दरख्वास्त है, रेगुलर रहिएगा, छुट्टी कोई किसी किस्म की ना करें, जितनी छुट्टियां होनी थी वो हो गई हैं। फिलहाल इसको राइट डाउन कीजिए, अगर किसी को कोई सवाल है हैंडल कीजिए, हम जा रहे हैं नए एक्सरसाइज की तरफ, 3.6 की तरफ। फटाफट राइट डाउन कीजिए, शाबाश। बेटा अगर हो गया तो राइट डाउन हो गया तो थोड़ा थंब प्रेस कीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर आप, जल्दी से बच्चे शामिल। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो थंब प्रेस कीजिए, ताकि मुझे ऐसा ही हो जाए, यकीन हो जाए कि आप लोग कर चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ें। बाकी भी जल्दी जल्दी करें शाबाश, देख दो रह गए। सही मेरे बच्चों, हम आगे बढ़ें। एक्सरसाइज 3.6 तवज्जो भाई, मिटा दूं? अगर किसी को नहीं लिखा हैंड रेज कर ताकि मैं रुक जाऊं, अगर लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं। चले बच्चों, अब जरा देखिएगा एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको कि आपने इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपने क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 6, सी इक्वल टू 10। सही मेरे बच्चों, बाय यूजिंग फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या, सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए। यहां लिख लेना बेहतर है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, सही लिख लीजिएगा बेहतर हो जाएगा। मेंशन कर दीजिए यहाँ पे लेट अल्फा बीटा आर द, यहाँ पे कर दीजिए लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, उसके बाद अपनी मर्जी से करते रहेगा, कौन तंग करेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा बेटे माइनस एज इट इज, बी की जाके आ गया माइनस का 6 और ए की जाके आ गया बच्चों 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, ये आ गया सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते, सही है ना मेरे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैं फिलहाल बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ पर आगे जाके ऐसे ही करूंगा सारा काम। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटे, सी ओवर ए। तो सी कितना है बेटे 10 और ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया
इसके अंदर किसी को कोई मसला हैंडल कीजिए, सवालात पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 2 मैं आपको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, फटाफट मुझे करके बताइए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। जी पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको पहले एक स्टेप करके मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आगे क्या होगा, माइनस का 25 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू माइनस 25। सही मेरे बच्चों, फटाफट मुझे सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल के बताइए इसका, और उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएंगे वो आप खुद कर लीजिएगा बाद में घर पे। ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले यूज करना सिखाए जा रहे हैं। इसको राइट डाउन कीजिए, हम जाते हैं असल क्वेश्चंस की तरफ अपने। चले शाबाश, फटाफट राइट डाउन करें। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटे, मेरी आवाज आ रही है ना, कंप्रेस कीजिए, सही आ रही है। अब फिर मुझे भी बता दीजिए, अगर आप लोगों ने कर लिया तो और बात कंप्रेस कर दीजिए, आंसर बता दीजिए मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कहां से लीजिए बताइए। माइक खोल के हैंडल से बता दे कोई भी मेरे जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताओ भाई, कोई भी एक बता दे।
जीरो और सही है मेरे बच्चे, शाबाश। हसीन होता है और इजहार में, इजहार वन नहीं है, जीरो मेरे बच्चे। जब बी जीरो है, जीरो डिवाइडेड बाय वन होगा तो जीरो हो जाएगा, सही है ना, वन नहीं आएगा, सही है सर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? पेपर में क्वेश्चन नंबर टू तो नहीं आता है, एक आध बार आया है मुश्किल से, पर ये जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि इससे रेलिवेंट चीजें जो है ना लॉन्ग में आती है। अगर आपको ये सवाल करना आएगा तभी आप वो सवाल कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू मुझे अंदाजा है कि पूरा नहीं हो पाएगा आज ये क्वेश्चन, बड़ा सवाल है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हाँ 3 मिनट रह गए आप लोगों के पास, मैं सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी बातें बता दूं। आपसे उसने मांगा गया पहले स्टेप में, बोला अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए। अब जरा गौर से बात को सुनना, हम ये क्या बोल रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है। सिर्फ आज बात डिस्कस करूंगा, करेंगे इंशाल्लाह कल ही। लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा अल्फा और बीटा जो है रूट्स है किसके, गिवन इक्वेशन के। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, हमने मान लिया क्या है, हैं, तो लाजमी जब अल्फा में से मैं बीटा को माइनस करूंगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, आपने वो वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है, बस इतना सा बोल रहा है। आपने क्या बताना है, वो वैल्यू बतानी है जो अल्फा में से बीटा में माइनस हो। ये बात तो कंफर्म है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन क्या है, रूट है। जब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो जब अल्फा में बीटा को मैं माइनस करूंगा जो वैल्यू बचेगी वो क्या वैल्यू होगी, आपने वो वैल्यू बतानी है, सिंपल सा काम। फिलहाल मैं जानता हूं इसको शुरू कराने का मकसद, शुरू कराऊंगा काम क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीच में अटक जाएगा और आपके जहन में सवाल धस जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो इंशाल्लाह 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 कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, 1-1.5 मिनट आ गया, कल इंशाल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बस एक ही बात बोलूंगा, छुट्टी ना करें। जो बच्चे रेगुलर हो गए होंगे उनको 100% ये बात समझ में आ रही होगी, जो बच्चे नए आए हैं या छुट्टियां करके आए वो जाहिर सी बात परेशान होंगे। और एक बच्चा मेरे ख्याल से इस्माइल है, इस्माइल ने शाबाश खुद पढ़ा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये बच्चा खुद मेहनत कर रहा है घर पर, अल्लाह इसको कामयाब करे, तरक्कियां दे अल्लाह पाक इसको। बस बेटे मेरे इस्माइल यही आपको बोलूंगा, मेहनत करते रहे अपने तौर पे, और जो वहां पे मसला आ रहा है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, सही है ना। आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, फी अमान अल्लाह, इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत आसान और मजेदार क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये भी छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी निकल जाएगी। बस इसके अंदर एक दो क्वेश्चन है जो बड़े, क्वेश्चन नंबर 5 पड़ा है इसका एक, और थोड़ा टाइम लेगा हमारा, बाकी सारे आसान आसान से सवाल है, मजेदार सवाल है। इंशाल्लाह बच्चों फिर कल मुलाकात होती है, फी अमान अल्लाह।